फ्रेंड्स हाय वेलकम। देखने वाले हैं आपकी लाइफ में न्यू लव कौन आ रहा है, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है रीडिंग। अगर आप सिंगल हैं और प्यार की तलाश में हैं, न्यू लवर की तलाश में हैं, तो देखेंगे कि आपकी लाइफ में न्यू लव कौन आ रहा है। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। शक्तिश्वर टू ऑफ वैंस, मैजिशियन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस। ओके, ये कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, ठीक है। आपको ये स्टॉक करता है सोशल मीडिया पे, आपकी पिक्चर्स देख के आपको मैनिफेस्ट करता है, ठीक है, एंड आपको चेस करता है, आपको स्टॉक भी करता है। ये पर्सन कोई सीक्रेट एडमायरर है, तो मे बी ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा। बहुत ही सीक्रेटिव टाइप का पर्सन है ये, बहुत ही पावरफुल है, इंटेलिजेंट है। सोशल मीडिया पे आप लोग मिल सकते हैं। आपको स्टॉक बहुत करता है ये पर्सन, आपको देखता है, मे बी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ कर रहा है, कुछ मैजिक ट्रिक्स आपको पाने के लिए, कुछ ना कुछ नहीं है स्पेल वो भी मेरे को यहाँ पे करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आप लोगों के लिए। टू ऑफ फैंस को केयर कीजिए, पेज ऑफ फैंस, फोर ऑफ फैंस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स केयर कीजिए, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस को क्लियर कीजिए, एट ऑफ कप्स एंड बॉटम पे है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये पर्सन वो भी हो सकता है जिसको आपने पहले रिजेक्ट किया हो, ठीक है, इसने आपको मैरिज के लिए प्रपोज किया हो, ठीक है, या आपको पहले प्रपोज किया हो किसी मैरिज पे। इस पर्सन ने आपको देखा होगा फर्स्ट टाइम, ऐसे हो सकता है आपको देख के बहुत एक्साइटेड हो गया था ये पर्सन। ये पर्सन की एज आपकी एज से कम है, ठीक है, छोटी एज का हो सकता है या हो सकती हैं ये पर्सन आपसे कम उम्र की, ठीक है, एंड आपने इसको रिजेक्ट किया हो सकता है पहले इन पास्ट, पहले आपने इसका दिल तोड़ा होगा, लेकिन ये फिर से ट्राई करेगा आपके पास दोबारा से आने की कोशिश करेगा ये पर्सन, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको भूल नहीं पा रहा ये पर्सन। एंड और क्या देखूँ यहाँ पे मैं, मे बी आप लोगों का घर में आना जाना हो, या आप किसी पार्टी वगैरह में या मैरिज में मिले हो। ओके, एंड सोशल मीडिया पे ये आपको स्टॉक करते हो, सोशल मीडिया पे म्यूचुअल फ्रेंड्स की वजह से इन्होंने आपकी आईडी देख ली हो, ऐसा कुछ हुआ हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इन्होंने प्रपोज़ किया हो और आपने इनका हार्ट ब्रेक कर दिया और नो कह दिया उनको, तो ये दोबारा से कोशिश करेंगे। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी का इशू है आई थिंक, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डर गए थे, एंड मे बी आप दोनों में से मैरिड हो सकता है कोई एक पर्सन, तो ये हिडन रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं, इसकी वजह से ये सब इशू हुआ है, जो भी प्रॉब्लम हुई है। बहुत चैलेंजेस हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, मे बी बात हुई हो, लड़ाई हुई हो, आपने ब्लॉक भी कर रखा हो इसको सोशल मीडिया पे, इस पर्सन को, ऐसा भी हो सकता है। पर ये पर्सन वो है जिसके साथ आप कभी रिलेशनशिप में नहीं आए हो, ठीक है। ओके, ये पर्सन मतलब यू नो, छुप के रिलेशनशिप चलाना, इस तरह से इसने आपको ऑफर किया और आपने रिजेक्ट कर दिया हो, तो ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आपको दोबारा से आके बोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत मुश्किल है। और ये मे बी स्पेल वर्क वगैरह भी करा रहा है आप पे, जो भी ये पर्सन है, कि आप इसके पास वापस आ जाओ एंड मतलब आप इनको एक्सेप्ट कर लो, लाइक इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो।
यस बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है ये पर्सन, ठीक है, ओवर प्रोटेक्टिव भी है आपके लिए एंड मूव ऑन नहीं कर पा रहा है ये पर्सन ना आपसे, एंड ये 101% आप पे कुछ वुडो वगैरह या ब्लैक मैजिक वगैरह करा रहा है आपको पाने के लिए, ऑब्सेशन बहुत है इसको। ओके चैरियट, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, जल्द आएगा ये आपसे बात करने, ठीक है, कोशिश भी करता है आपसे बात करे, जल्द आने वाला है ये पर्सन, आपको प्रपोज करेगा, ऑफ़र देगा, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र आपसे मैरिज के लिए कह सकता है ये पर्सन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए बोलेगा, वन डे, वन वीक, वन मंथ और वन ईयर के बीच में, एस बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, तो मे बी वन डे, वन मिनट, वन मंथ और वन ईयर के अंदर अंदर ये आपको प्रपोज करेगा और आप लोग रिलेशनशिप में आ जाओगे। नेम के इनिशियल्स चेक कर लेते हैं एक बारी, जिससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए कि क्या ये वही पर्सन है, ठीक है, तो ठीक है, जे एफ जे यू एच ये नाम है, टी भी निकल के आया है, ठीक है, जे जे डबल जे है यहाँ पे, यू है, एच है, एफ है एंड टी है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।